हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप शेखावत एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर सीरीज की दोस्तों हमारी छठी वीडियो, इससे पहले पांच वीडियोज़ हमारी आ चुकी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो वो अभी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको रेगुलरली वीडियोज़ मिलती रहती है हमारे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम डायरेक्ट ऑनलाइन क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राह्मणों से संबंधित जातिगत सवाल HSC परीक्षा में पूछे जाने कारण निलंबित भारत भूषण भारती के स्थान पर किसे कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त किया गया था HSC का। तो इसका आंसर है दोस्तों दीप्ति उमाशंकर। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, एक एग्जाम हुआ था HSC का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा एक अच्छा शकुन माना जाता है। उसमें चार ऑप्शन थे, एक खाली घड़े का देखना और दूसरा था काले ब्राह्मण को देखना, मतलब इस टाइप से चार ऑप्शन थे। एक था उसमें ब्राह्मण कन्या को देखना। तो इस प्रकार का जो जातिगत सवाल जो पूछा था उस पर विवाद हो गया था काफ़ी। इसके लिए जो भारत भूषण भारती उस टाइम चेयरमैन थे HSC के, उनको निलंबित कर दिया गया था कुछ दिन के लिए। अब वो दोबारा से बन गए हैं, लेकिन बीच में इन्हें बनाया गया था दीप्ति उमाशंकर को। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, अंतर्राज्यीय अपराधों की रोकथाम के लिए कहाँ पर हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली ने मिलकर इंटर स्टेट इन्फॉर्मेशन सेंटर की स्थापना की है। तो इसका आंसर दोस्तों गुड़गांव। मैं आपको बता देता हूँ क्या ये मैटर है, मतलब कि जो यूपी के क्राइम करके यूपी में जो गैंगस्टर हैं, जो भी अपराधी हैं यूपी में क्राइम करके राजस्थान में छुप जाते हैं या हरियाणा में छुप जाते हैं, दिल्ली में छुप जाते हैं। इसके अलावा कोई हरियाणा में क्राइम करता है वो जाके दिल्ली में छुप जाता है, यूपी में छुप जाता है, मतलब कि जो इंटरकनेक्टेड एरिया है वहाँ पर जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकथाम के लिए ये सभी ने मिलकर एक इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाया है, मतलब कि एक दूसरे को सूचना देने के लिए राजस्थान, यूपी, दिल्ली और हरियाणा ने मिलकर। तो इसकी स्थापना दोस्तों गुड़गांव में की गई है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, 27 मई 2018 को कहां पर PM मोदी ने डिजिटल आर्ट गैलरी की शुरुआत की। तो ये दोस्तों जाखोली सोनीपत में, ये उस टाइम की दोस्तों जबकि KGP जो कुंडली गाजियाबाद पलवल, जिसका उद्घाटन PM मोदी ने 27 मई को ही किया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, उस टाइम पर ही ये डिजिटल आर्ट गैलरी वहाँ पर खोली गई थी। इसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, जींद के किस गांव को स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। दोस्तों जींद जिले का एक गांव है जिसको कि स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया जाएगा हरियाणा सरकार द्वारा। 76 गाँव है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है कौन सा गाँव है जिसको स्मार्ट गाँव में रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इसका नाम है दोस्तों 76। नेक्स्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो अभी पिछले दिनों ही रैंकिंग आई थी, उसमें दोस्तों हरियाणा का 3रा स्थान रहा था, मतलब कि ये रैंकिंग दी जाती है, मतलब कि जिस राज्य में पॉलिसी कितनी अच्छी है, मतलब कि कितना आसान है वहाँ पर कोई भी बिजनेस करना, बाहर की कोई कंपनी अगर आकर यहाँ पर बिजनेस करना चाहती है तो उसके लिए कितना आसान है, उस हिसाब से ये रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें हरियाणा का 3रा स्थान अब की बार रहा है, या पिछली बार से अब की बार और अच्छा रहा है, इसलिए पिछली बार 4था था, उससे पिछली बार 5वां था, अब की बार ये 3रा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री से सीधी बात की शुरुआत CM खट्टर ने कब और कहां से की थी। तो ये दोस्तों एक प्रोग्राम है मुख्यमंत्री से सीधी बात, इसमें मतलब कि लोगों से फीडबैक लिया जाता है सरकार के कार्यकलापों के बारे में। तो ये 8 जून 2018 को पुंडरी कैथल से मनोहर लाल खट्टर ने की थी इसकी शुरुआत। इसके बाद नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड है, जनता और मुख्यमंत्री के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री से सीधी बात कार्यक्रम जून 2018 में शुरू किया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी ने 8 जून 2018 को पुंडरी कैथल से इसकी शुरुआत की थी। इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट भी दोस्तों, इसके जो उद्देश्य हैं क्या है, जनता और सरकार के बीच में सीधा संवाद स्थापित करना, लोगों की प्रतिक्रिया लेना और मौके पर उनकी समस्याओं का समाधान करना। इसके अलावा जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उनका प्रचार प्रसार भी इस प्रोग्राम के तहत हरियाणा में किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, गुड़गांव में कहां पर मोतियों की खेती शुरू की गई है। तो गुड़गांव का एक गांव है दोस्तों जमालपुर, जहां पर ये शुरुआत की गई है हरियाणा में पहली बार। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, हरियाणा में कहां पर एयरपोर्ट की तर्ज पर बस पोर्ट स्थापित किया जाएगा। तो ये है दोस्तों चौहान जोशी, जहाँ पर एयरपोर्ट की तर्ज पर ही बस पोर्ट, मतलब कि उसी के टाइप से जो एडवांस सुविधाएं हैं वो यहाँ पर उपलब्ध लोगों को करवाई जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, किस राज्य सरकार ने मेधावी छात्रों को IIT, NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग के लिए
सुपर 100 कार्यक्रम शुरू किया है। तो दोस्तों हरियाणा में एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, मतलब कि 10th क्लास पास करने के बाद एग्ज़ाम होता है। इसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो एग्ज़ाम आपको फ्री कोचिंग हरियाणा सरकार देती है। इसमें 225 टोटल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, सुपर 100 कार्यक्रम में कुल कितने छात्रों को शामिल किया जाएगा? तो इसमें 225 छात्रों को चुना जाता है इस प्रोग्राम में। इसके लिए दो जगह पर इनको पढ़ाया जाता है, जो कोचिंग अवेलेबल करवाई जाती है, एक तो रेवाड़ी और दूसरा है पंचकुला में। हरियाणा सरकार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने सुपर 100 के लिए रेवाड़ी के किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो ये दोस्तों विकल्प फाउंडेशन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ये इस प्रोग्राम के तहत जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको कोचिंग उपलब्ध करवाएगा। इसके बाद हरियाणा का कौन सा ऐसा शहर है जहां मुफ्त वाईफाई उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो दोस्तों ये पहला शहर हरियाणा का बन गया है दोस्तों पंचकुला, जहां पर फ्री वाईफाई लोगों के लिए उपलब्ध होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गंगा बचाओ अभियान की तर्ज पर हरियाणा सरकार किस नदी के बचाव के लिए अभियान शुरू करेगी? तो दोस्तों जो यमुना का जलस्तर है उसमें गिरावट आ रही है, उसी को देखते हुए हरियाणा सरकार यमुना बचाओ आंदोलन की शुरुआत हरियाणा में करेगी। इसके अलावा दोस्तों नेशनल जीके में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया था? तो उसका आंसर दोस्तों मेधा पाटकर, ये भी इम्पोर्टेंट है नेशनल जीके के हिसाब से, मेधा पाटकर जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, हरियाणा में कहाँ पर तितली पार्कों की स्थापना की जा रही है? तो यह है दोस्तों पीपली कुरुक्षेत्र और गुड़गांव, पीपली कुरुक्षेत्र और गुड़गांव है जहां पर तितली पार्कों की स्थापना की जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 18 से 21 जनवरी को 8वीं जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आंसर होगा दोस्तों हिसार। इसके बाद नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड है, 8वीं जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता हरियाणा ने 6-1 से किसे हरा कर जीती? जो यही चैंपियनशिप जो हिसार में हुई थी, इसमें हरियाणा ने मध्य प्रदेश को हरा कर ये चैंपियनशिप जीती थी। नेक्स्ट दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो ये दोस्तों हिसार से संबंधित है, इनका जन्म हिसार में हुआ था और ये अब पिछले दिनों ही मुख्य न्यायाधीश बने हैं हिमाचल हाईकोर्ट के। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, राज्य स्तरीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचकुला, पंचकुला में जो राज्य स्तरीय युवा दिवस कार्यक्रम अब की बार हुआ था वो मनाया गया था। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। तो दोस्तों 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर युवा दिवस मनाया जाता है। अब आपके लिए कुछ क्विज के लिए कुछ क्वेश्चन दोस्तों, उनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स में। पहला क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आंसर आपको देना है, पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पर कहां पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा हरियाणा सरकार ने की है? इसका जवाब आपको देना है कमेंट करके, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हैपनिंग हरियाणा 2018 कहां पर आयोजित होगा? जगह बतानी है आपको हैपनिंग हरियाणा की 2018 के लिए। इसके अलावा आपको बताना है, तीसरा जो एग्रीकल्चर लीडरशिप सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था और किस महीने में हुआ था? एक क्वेश्चन और है, हरियाणा में राज्यसभा के पिछले दिनों ही निर्विरोध सदस्य चुने गए हैं, उनका नाम क्या है? ये 4 क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, इनका जवाब आपको देना है कमेंट्स में, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। अगर वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा और अप हो और मैं आपके लिए और वीडियोज़ इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आऊँ आपके लिए। थैंक यू। इसके अलावा अगर आपने जो पिछले वीडियोज़ हैं वो अगर नहीं देखे हैं, जो इससे पीछे ये जो क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन जो क्वेश्चन सही में कुछ गलती लगती है, आपको लगता है कि ये हमने कुछ गलत आपको बता दिया है, तो उसको भी हम सुधार लेंगे, अपने अगले वीडियो में आपको उसके बारे में बताएंगे, वो भी आप हमें अपने नंबर से व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।